गर्भवती शेरनी। श्रीशैलम के घने जंगलों में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी से रहते थे। उस जंगल में शेर और शेरनी के अच्छे दोस्त भी थे, जैसे कि बंदर, खरगोश, हाथी, गाय और बहुत सारे बकरियां भी। एक दिन जंगल में घूमते घूमते शेरनी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी शेर खरगोश को जाकर जंगल का वैद्य हाथी को बुलाने के लिए बोलता है। तभी खरगोश दौड़ता हुआ हाथी के पास आता है। हाथी जी, आप जल्दी से शेर के पास चलिए, शेरनी अचानक बेहोश होकर गिर गई है। चलो, मैं अभी आता हूँ। हाथी जल्दी आकर देखा तो पता चलता है कि शेरनी गर्भवती है, इसीलिए वह बेहोश होकर गिर गई। बात पता चलने पर सभी जानवर बहुत खुश हो गए। तब से सभी जानवर शेरनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ दिन के बाद अचानक एक सर्कस के कंपनी से एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आता है। वहां पर जाल बिछाकर कोई भी जानवर उस तरफ आने का इंतजार करता है। तभी शेरनी घूमते घूमते उस जाल में पड़ जाता है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं शिकारी के जाल में फंस गई हूँ। शेरनी के आवाज सुनकर बंदर वहां पर आ जाता है और देखता है कि शेरनी जाल में फंसकर दर्द से तड़प रही है। वह तुरंत शेर के पास जाकर सारी बात बताता है, लेकिन जब तक शेर वहां पर आता है, शिकारी शेरनी को लेकर वहां से चला जाता है। शेर बहुत उदास होकर रोने लगता है। तभी बंदर शेर को तसल्ली देती है। शेर भाई, तुम घबराओ मत, मैंने उस सर्कस की कंपनी का तस्वीर देख लिया है। मैं उसे गांव में जाते हुए देखा है, उसे मैं देखते ही पहचान लूंगा। तुम इधर ही रुको, मैं गांव में जाकर पूरी बात बता करके आता हूँ। ऐसा बोलकर बंदर गांव के तरफ निकलता है। रास्ते में बंदर को एक लकड़हारा दिखता है। बंदर ने सारी बात बोलने पर वह लकड़हारा सर्कस का पता बोलता है। तुरंत बंदर वहां जाकर देखता है तो शेरनी को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं। सर्कस की ट्रेनिंग के लिए उस शेरनी को बहुत मारने लगे। शेरनी बहुत उदास रोते हुए दिखाई दी। बंदर धीरे धीरे शेरनी के पास गया और उसे तसल्ली दी कि बहुत जल्दी ही उसे लेने सभी जानवर आएंगे। बंदर फिर से जंगल आकर सारी बात शेर को बताया। तभी शेर ऐसा बोलता है, मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे आप सब की मदद चाहिए। मेरा शेरनी बहुत मुश्किल में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ चलकर शेरनी को वापस लेने के लिए मदद करें। तब सारे जानवर बंदर के सहायता से उस सर्कस के पास जाते हैं और उस सर्कस की कंपनी पर हमला करते हैं। इतने सारे जंगल के जानवर को देखकर सारे सर्कस वाले भाग जाते हैं। तभी शेरनी के साथ साथ बाकी के जानवरों का भी रिहा कर देते हैं। देखते ही देखते शेर और शेरनी सारे दोस्तों की सहायता से फिर से जंगल आ पहुंचते हैं और कुछ ही दिन में शेरनी एक सुंदर सी शेर को जन्म देती है। जादुई पेड़ रघु एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी मंजू के साथ झोपड़ी में रहा करता था। राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा जी? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना खाते हो तुम लोग? ऐसा खाना तो मैं गैया को भी नहीं देती हूँ। पड़ोसन की कड़वी बातें सुनकर वे बहुत दुखी हो जाते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं कल ही जंगल जाकर लकड़ी काटूंगा और उन्हें बेचकर राशन का इंतजाम करूंगा। रघु जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा। एक पेड़ को काटते हुए रघु को अचानक पेड़ से एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो। अरे ये किसकी आवाज है, कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता हुआ देख वो हैरान रह जाता है। अरे तुम कैसे बोल सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूँगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, मुझे मत काटो। रघु उसे बताता है कि उसे अनाज चाहिए और अचानक उसके सामने पेड़ बहुत सा अनाज रख देता है। गेहूँ, चावल, दाल और हर चीज वहाँ आ जाती है। ये सब देख रघु बहुत खुश हो जाता है। महीने भर का राशन देख मंजू बहुत खुश हो जाती है।
तभी पड़ोसन वहाँ आती है और इतना सारा राशन देखकर हैरान रह जाती है। इतना सारा राशन इन गरीबों के पास कैसे आया? अगले दिन पड़ोसन उनके घर आती है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप लोग जरूर आना, लेकिन जरा अच्छे से सज कर आना। कितनी बेइज्जती की बात है, कल हमें इनके यहाँ दावत पर जाना है लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं। रघु पेड़ के पास जाता है और कुछ नए जेवर और कपड़े लेकर मंजू के पास आता है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं। मंजू खुश हो जाती है और तैयार होकर जन्मदिन पर जाती है। यहाँ पड़ोसन को बहुत जलन होती है। अरे इतने गरीब, खाने को पैसे नहीं और सोने के जेवर और कपड़े पहनकर आई है, वो भी बिल्कुल नए। जरूर दाल में कुछ काला है, अचानक ये गरीब इतने अमीर कैसे हो गए? मंजू की पड़ोसन अब दिन रात रघु और मंजू पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब रघु जंगल की तरफ जाता है तो वो उसका पीछा करती है और ये देखती है कि रोज पेड़ से ही रघु कुछ न कुछ लेकर आता है। अच्छा ये बात है, तब तो इस पेड़ से मैं भी कुछ मांग लेती हूँ। लालची पड़ोसन पेड़ के पास जाती है। अरे ओ जादुई पेड़, मुझे 9 लक्खा हार दे दो। पेड़ उसे हार देता भी है, लेकिन गले में हार आते ही वो 7 सांप बन जाते हैं। अरे अरे ये क्या, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, रघु रघु। पड़ोसन रघु को आवाज लगाती है। रघु दौड़ता हुआ आता है और उसकी जान बचा लेता है। पड़ोसन को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो रघु का धन्यवाद करती है और उसके बाद रघु और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई पेड़ हमेशा के लिए रघु की मदद करता रहता है। एक दिन जंगल से एक हिरण टहलते टहलते ना जाने किस रास्ते पर भटक गया और किसी दूसरे ही जंगल में जा पहुंचा। वो खुद भी हैरान हो गया कि वो कहां आ गया है। चलते चलते उसे रास्ते में एक 12 सिंघा मिला, जो देखते ही समझ गया कि हिरण उस जंगल में नया है। तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आए? हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ और वहीं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओह ऐसी बात है, फिर तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसा कहकर 12 सिंघा वहाँ से चला गया और हिरण समझा, यूं ही मुझे डरा रहा है, ये जंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे पूरा घूमकर ही अपने जंगल वापस जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर सोए हुए शेर की पूंछ पर जा पड़ा। शेर ने हिरण को देख लिया और जोर से गुर्राया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर पैर रखो। डर के मारे हिरण की जान सूख चुकी थी। हिरण बड़ी तेजी से दूसरी ओर अपनी जान बचाकर भागने लगा। शेर भी उसके पीछे भागा। हिरण भागते भागते अपने जंगल के रास्ते को पकड़ लेता है, लेकिन शेर की रफ्तार के आगे खुद को नहीं बचा पाता। रास्ते में ही शेर उसे दबोच लेता है और खा जाता है। अब शेर को एक नए जंगल का रास्ता पता चल जाता है। शेर ने देखा कि ये नया जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत से जानवर हैं। उसने आगे जाकर देखा, जंगल में इतने सारे हिरण थे। उन सब को देखकर उसका मन ललचा गया। एक एक करके उसने सबको खाना शुरू कर दिया। अब जंगल के सभी हिरण असुरक्षित थे। हिरण के सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये शेर हम सबको खा जाएगा। तभी एक छोटा हिरण कहता है, सरदार मुझे लगता है हमें 15 दिनों तक छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिन तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शेर केवल 15 दिन तक भूखा रह सकता है। अगर हम 15 दिन झाड़ियों में छिपे रहे तो ये भूखा रहेगा और यहाँ से चला जाएगा। सभी उस बच्चे की बात को मान लेते हैं और 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब 15 दिनों तक शेर को कोई हिरण नहीं मिलता तो वो अपने जंगल वापस लौट जाता है। सभी हिरण उस छोटे नन्हे हिरण की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुमने हम सबको बचा लिया, तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी थी। इसीलिए कहते हैं, समझदार कोई भी हो सकता है, बड़ा भी और छोटा भी। एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे-छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा
बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला, अगली बार भी ऐसा ही करूंगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं? मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे, इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो, कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था, आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली।